ऋषिपाल जी, आप किस तरह से देखते हैं भारत माता का जो बयान रहा है राहुल गांधी जी ने जो सदन में कहा, किस तरह से देख रहे थे आप इस सारी चीजों को? देखिए रफी, जो बयान राहुल गांधी जी का कल बयान था, और बयान के बहुत सारे हिस्से जब मैं उसको देख रहा था, तो बहुत सारे हिस्से ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य जो बहस है उस बहस का ना पार्ट हो के बल्कि एक फ्रस्ट्रेशन या एक अलगाव की बात, या एक मतलब समझो एक ऐसे शब्द कहें जिससे कि भड़काने की बात हो, बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जिससे कि पक्ष विपक्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, सरकार को घेरने का बहुत इम्पोर्टेंट विषय था। लेकिन उसमें जिस जो एक मर्यादित बात होनी चाहिए थी, उसमें रामायण भी आ गई, उसमें हनुमान जी भी आ गए, उसमें रावण भी आ गया, लंका भी आ गई, मतलब जो मुद्दा था मुद्दा ना हो गया, सब जगह उसमें हो गया। दूसरी बात, ये जो मुद्दा है जिस पे हम अब आज चर्चा कर रहे हैं कि भारत माता के लिए कह दिया कर दिया, तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस शब्दों की अपेक्षा हम लोग अपने अपने कर्म पे कितना ध्यान दे रहे हैं, सरकार कितना ध्यान दे रही है और विपक्ष कितना ध्यान दे रहे हैं। सरकार की बिल्कुल निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसा माहौल पैदा करे जिसके अंदर लोगों को विश्वास हो और लोगों को सुरक्षा दी जा सके, बिल्कुल 100% ये सरकार की जिम्मेदारी है, और साथ साथ विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार को वो इस तरीके से उसको घेरे कि सरकार को मुद्दों का जवाब देना पड़े। लेकिन वो जो मुद्दे वहां के, जो हम जिसको एक शब्द है उसको बोलते हैं चर्चा। चर्चा का अर्थ क्या होता है, क्या संसद इसलिए है कि वहां पर एक दूसरे ब्लेम लगाया जाए, या जो इतने हमारे माननीय सांसद हैं, जो अगर देखा जाए तो कानून के सामने सबसे ज्यादा विद्वान लोग वहां पर है, वो कुछ उस चर्चा से कुछ निकाल नहीं पाए, पक्ष या विपक्ष कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया कि हाँ जिससे कि उस समस्या को हल करने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया जा सके।